आप जब आपके सर पे होगा आईडी कार्ड चेक करवाएं। अप्लाई किया हुआ मैंने। सिर्फ हेलमेट पहन लेते हैं आप उन्हें जाने देंगे? नहीं जी बिल्कुल नहीं। क्या चलान हो रहे हैं? अभी इनका चलान 200 रुपए का होगा। हेलमेट क्यों नहीं पहना हुआ? फौज की पे जाना था। और जब तक ये हेलमेट लेके नहीं आएगा इनको हम नहीं छोड़ेंगे। हेलमेट क्यों नहीं पहना भाई? भूल गया वो। कभी खाना खाना भी भूला है? क्या कार्रवाई होगी इस पर? कोई डॉक्यूमेंट्स पे नहीं है। आपको तो ज्यादा ख्याल रखना चाहिए, आप बाइक क्या चला रहे हैं। मैंने घर जाके पहले रेडी होना था, हेलमेट लेना था फिर आना था, लेकिन मैं आ गया हूँ पहले। अस्सलाम वालेकुम जी, मतलब अपना ड्राइविंग लाइसेंस चेक कराइए। बंदे बाहर बैठे होते हैं वो कहते हैं भाई 5,000 दे दो हम करवा देते हैं। आप हमारी बात सुनेंगे तो अब इस पे क्या कार्रवाई होगी? 2,000 का इनका चालान होगा। इनके लिए कोई माफी है या नहीं? नहीं सर, लाइसेंस के पे जीरो टॉलरेंस है। जी नाज़रीन, यहाँ पे एक और शहरी है जो बगैर हेलमेट, हेलमेट तो है लेकिन आपने हेलमेट नहीं पहना हुआ। यार अभी उतारा हेलमेट मैंने। तो जी ताहिर साहब बताएं इस पर क्या होगा? मोहतरम ये जो आपने पकड़ा हुआ है ना ये छोड़े इसको, मैं आपको बताता हूं तरीके का। सर मैंने अभी इधर फोन सुना है और सर से उतार के फोन सुना है। इसकी सेफ्टी मेजर वही है, आप जब आपके सर पे होगा ये तब ही आपको किसी एक्सीडेंट से बचा सकता है। आपने हाथ में हैंग किया हुआ है, आपने टैंकी पे रखा हुआ है, ठीक है, आपने नीचे इसको लटकाया हुआ है, तो ये आपको कोई फायदा नहीं दे रहा। अपना आईडी कार्ड चेक करवाएं। थैंक यू। लाइसेंस नहीं है मेरे पास अभी, अप्लाई किया हुआ मैंने, अप्लाई किया हुआ मैंने, ठीक है। उसका लर्नर में चेक करवा दीजिए। सर मेरे पास अभी कुछ नहीं है, मेरे पास आईडी कार्ड है। सर बता रहा हूँ आईडी कार्ड है, मेरा वॉलेट चोरी हो गया, गिर गया था, ठीक है। ये आपकी कलर कॉपी है जी। इस पर क्या ताहिर साहब क्या कार्रवाई बनती है इस पर? इनकी जो हेलमेट, अक्सर लोगों ने ये हैबिट बनाई है कि जस्ट वो ये समझते हैं कि हेलमेट हमारे पास होना चाहिए, चाहे वो हमने हाथ में पकड़ा हो, चाहे वो टैंकी पे रखा हो, चाहे वो कैरियर के साथ हैंग किया हुआ है, ये समझते हैं कि हमारे पास हेलमेट है तो हम इससे महफूज हैं। हेलमेट सिर्फ और सिर्फ आपको तब भी महफूज रखता है जब आपके सर पे है। तो अब इनके खिलाफ़ चलान की कार्रवाई होगी बकायदा, और इनका बाइक कब्ज़े में ली जाएगी, इनके डॉक्यूमेंट्स कब्ज़े में लिए जाएंगे, और अफसरान के हुक्म के मुताबिक इनकी बाइक उनको तब ही दी जाएगी जब ये अपना हेलमेट अपने सर पर रखेंगे और ख़रीद के लाएंगे। अगर इनके पास नहीं हैगा तो ये हमारे साथ पक्का प्रॉमिस करेंगे कि अपने सर पर फेयर करें। सूरत हाल में उनके पास हेलमेट तो है, अगर वो हेलमेट पहन लेते हैं आप उन्हें जाने देंगे? नहीं जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये जब हमने इनको रोका है तो ये राइड कर रहे थे विदाउट हेलमेट, ठीक है। अभी नहीं है, अभी वार्निंग ख़त्म हो चुकी है। पहले इंतहाई तकरीबन पिछले 2-3 हफ्तों से वार्निंग थी कि आप हेलमेट पहने, लोगों को वर्बली भी थ्रो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, हर हवाले से वार्निंग दी जा चुकी हैं, लेकिन अभी कोई वार्निंग नहीं है। अभी इवन के कल से आर्डर जारी हो चुके हैं डिप्टी कमिश्नर लाहौर की तरफ से कि जो बाइक राइडर हैं विदाउट हेलमेट हैं उनको पेट्रोल पम्प से पेट्रोल बिल मिलेगा। ठीक, अभी इनके खिलाफ चलान होगा जी, इनके खिलाफ 19 की कार्रवाई होगी, 19 नंबर कोड के तहत इनको चलान जारी किया जाएगा। चलान हो रहा है इनका? अभी इनका चलान 200 रुपये का होगा जी। अभी पे करना पड़ेगा जी? अभी उनके पास ऑप्शन है ऑनलाइन की, जैज़ कैश, इजी पैसा, और मिजैंग बाकी बैंक की एप्लीकेशन से पे कर सकते हैं। आप चलान जमा करवा रहे हैं? मैं पे कर रहा हूँ। चलिए ये चलान पे करवा रहे हैं जी। श्योर, चलान पे करेंगे तो जा सकते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। हेलमेट क्यों नहीं पहना हुआ? वो हेलमेट जल्दी में निकले, अगर एमरजेंसी से फौज की पे जाना था वो इसलिए। भाई अब इस पर क्या होगा कार्रवाई? इनके खिलाफ ये कार्रवाई कि उन्होंने हेलमेट नहीं पहना हुआ, लिहाजा इनकी बाइक बंद करने लगे हैं, और जब तक ये हेलमेट लेके नहीं आएगा इनको हम नहीं छोड़ेंगे। मुस्तफा साहब कह रहे हैं कि आप हेलमेट लेके आए वरना आपकी बाइक बंद हो रही है। मेहरबानी है भाई, फौज की पे एक दया दे ले, हालत भी उसी तरह, जल्दी में जाना पड़ेगा। ये हॉस्पिटल से हमने उधर ही अब जाना, सानू पता लगा सी उसी टाइम ही निकल आए हैं, और यकीन करके जाना सानू को हुंदा था जी, सानू सब कुछ भी है, ये नहीं भी नहीं है, पर नहीं ओए कल ही ना निकल आए। मेहरबानी है तुम्हारी, कह रहे हैं कि फौतकी पे जाना है, जल्दी में निकल आए हैं। ये बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं फौतकी, जो भी अल्लाह ताला जो भी मामला आते हैं आपके, आपकी हिफाजत के लिए हेलमेट है, ठीक है, लिहाजा आपका हम 200 का चलान कर देते हैं ऑनलाइन, जायज़ कैश पे, छोटा सा जुर्माना है, आपकी बाइक बंद नहीं करते, आपको वार्निंग दे देते हैं इसी वजह से, ठीक है। वो चलान जमा कराए चले, नहीं मेहरबानी नहीं होगी, नहीं तो बाइक इनकी तरफ से रिलैक्सेशन दी जा रही है कि बाइक बंद नहीं हो रही, आप 200 का चलान जमा करवा। जी नाज़रीन, यहाँ पर एक और बाइक वाले को रोका गया, उनके पास भी हेलमेट नहीं है। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलमेट क्यों नहीं पहना भाई? भूल गया। भूल गए हेलमेट पहनना? भूल गए। आप कभी खाना खाना भी भूला है? अरे लाइसेंस चेक करें अपना, ड्राइविंग लाइसेंस तो आपको होगा? लाइसेंस बना हुआ है? नहीं, लर्निंग आया था उसके 6 महीने पूरे हो गए थे वो। लाइसेंस भी नहीं बना हुआ जी। अच्छा, आईडी कार्ड मौजूद नहीं है घर पड़े हुए। आईडी कार्ड भी नहीं है? नहीं। आईडी कार्ड का नंबर तो याद होगा। क्या कार्रवाई होगी इस पर? इनके पास लाइसेंस भी नहीं है जी, हेलमेट भी नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है, हेलमेट की बहुत ज़्यादा सख्ती है।
तो अभी इनके खिलाफ़ हम हेलमेट की कार्रवाई करेंगे, इनकी बाइक कंपाउंड करेंगे थाना गुलशन इकबाल में। जब तक ये हेलमेट खरीद के नहीं लाएंगे हम इनकी बाइक इनके हवाले नहीं करेंगे। बाइक बंद करने लगे आप, हेलमेट है नहीं है या पहनना भूल गए? पहनना भूल गया हूँ सर, घर पे मुझे लाइसेंस क्यों नहीं बनवाया? लर्निंग के बाद 6 महीने गुजर गए अभी तक लाइसेंस नहीं बनवाया सर, बस काम में जॉब में लगे रहे हैं। उसके बाद रस्ते में कोई हादसा हो जाए, कोई गाड़ी हिट कर जाए, हेड सीवियर हेड इंजरी हो जाएगी, तो कौन जिम्मेदार है? अंदाजा है, इस बात का अंदाज़ा है, गलती है जो हेलमेट नहीं पहना मैंने। अभी भी राइड लेके सर मैं ऑफलाइन चला रहा हूँ, अभी ये बाइक सर छोड़ने जा रहा हूँ। तो आपको तो ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, आप बाइक क्या चला रहे हैं, आप तो लोगों के लिए रोल मॉडल हैं, आप बाइक क्या चला रहे हैं? मैं अभी जॉब से निकला हूँ अपनी, और जॉब से साथ ही मुझे ये राइड मिल गई, मैं कहा चले मैं छोड़ आता हूँ। मैंने घर जाके पहले रेडी होना था, हेलमेट लेना था फिर आना था, लेकिन मैं आ गया हूँ पहले। नाज़रीन यहाँ पे बैंक जो बाइक है वो बंद कर दी गई है, और अब देखते हैं कि ताहिर साहब क्या करते हैं। ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दे दें और चलान भर दें, चले जाएं, बाद में चलान भर के दोबारा बाइक ले लीजिएगा, नहीं तो बाइक बंद हो जाएगी। राइड चला रहे हैं आप, आपसे हमने मोबाइल नंबर पूछा, आपने हमें मोबाइल नंबर बताया दी, आपने बताया, अब आपके पास मोबाइल ही नहीं है तो आप नंबर को कैसे बता रहे हैं हमें? क्योंकि हमने ये डिजिटल चलान है, इसमें इस पर मैसेज आता है आपको, ठीक है? आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ आपने नंबर में हमें बताया है, तो नंबर आपके पास है। पहले आप 200 का चलान तो भरें ना, आपकी बाइक बंद नहीं होती, आप माजरत करें कि अगली दफ़ा आप हेलमेट पहन के निकलें, पता करें इनसे। सर मैं ज़रूर भरूंगा, मुझसे गलती हो गया, मुझे घर से पहले चले जाना चाहिए था, अपना हेलमेट ले लेना चाहिए था। कि वादा कर रहे हैं कि अगली दफ़ा हेलमेट पहनेंगे, हम इनके वादे पे यकीन करते हैं, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल इनका जो फाइन हो चुका है वो फाइन पे करेंगे, उसके बाद ये जा सकेंगे। पहले चलान भरें जी। ताहिर साहब आपने इनको क्यों रोका है, इनको आपने क्यों रोका? हम उनके ये जनरल चेकिंग है ड्राइविंग लाइसेंस की, हम इनसे चेक करते हैं कि इनके पास लाइसेंस है या नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी मोहतरम, आपने ड्राइविंग लाइसेंस चेक कराई है? अच्छा, ये जनरल चेकिंग हो रही है, आपने इनको वैसे ही रोका है जनरल चेकिंग के लिए? ये है कि इनके ड्राइविंग लाइसेंस की जो स्पेशल होम है हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक बगैर इनकी सीट बेल्ट पूरी थी, लॉज वगैरह पूरे कर रहे थे, आपने इनको वैसे रोका है? जी लाइसेंस चेकिंग के लिए। अब आपका जो लर्नर है ना, आपका लाइसेंस नहीं बना हुआ, ठीक है ना? आपकी जो डिटेल हमारे पास आ रही है 2180021 लाइसेंस टाइप है न्यू लर्नर, जो कि आपका एक आप बगैर लाइसेंस की गाड़ी चला रहे हैं। सर अभी जो ऑनलाइन हमारे ई पी पंजाब की डिटेल है, जो लाइसेंसिंग की डिटेल है पंजाब की, उसमें आपका जो लाइसेंस है वो 2021 में एक्सपायर हो चुका है, ठीक है ना? आप सही कह रहे हैं। हाँ जी मान रहा हूँ, आप सही कह रहे हैं। मैं आपको ये अर्ज कर रहा हूँ कि यहाँ पर मेरा लाइसेंस नहीं बनवा रहे थे, मैं 4-5 दफ़ा आपके लाइसेंस के गेहूँ, उन्होंने भाई ड्रामे करते थे कि यह फलाना ले आओ टिंगाना ले आओ, ये कर लो वो कर लो। आप हम आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा ये कर रहे हैं, आप जो कह रहे हैं ना कि हम वहाँ गए थे तो उन्होंने हमारा लाइसेंस नहीं बनवाया, तकरीबन पिछले अप्रॉक्सीमेटली 2 माह हो गए हैं। के बंदे बाहर बैठे होते हैं वो कहते हैं भाई 5,000 दे दो हम करवा देते हैं, 10,000 दे दो हम करवा देते हैं। आप हमारी बात सुनेंगे, आप हमारी बात सुनेंगे तो हम आपको प्रॉपर बता रहे हैं। हम आपको ये कह रहे हैं कि पिछले 2 माह से आईजी पंजाब की तरफ डॉक्टर उस्मान अनवर साहब के नए अहकाम जो हैं कि आप पाकिस्तान में किसी भी ज़िले के किसी भी सूबे के रहशी हैं, आपका आईडी कार्ड बना हुआ है, आप लाहौर से अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं। इवन के आउटसाइडर किसी भी कंट्री का है वो विज़िट पे पाकिस्तान आया है तो अपने विज़िट वीज़े पर भी अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकता है। तो आप तो पाकिस्तान के शहरी हैं, आप डेट रहा करें ना। मैं कर लूँगा। तो अब इस पर क्या कार्रवाई होगी ताहिर साहब? कार्रवाई होगी, इनका चलान होगा 2000 का इनका चलान होगा, और उसके बाद ये चलान पे करेंगे तो जा सकेंगे। अगर ये आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, माजरत करते हैं या वादा करते हैं अगली दफ़ा नहीं करेंगे, या अभी जाते साथ ये बनवा लेते हैं अपना ड्राइविंग लाइसेंस, तो इन पर इनके लिए कोई माफ़ी है या नहीं? नहीं सर, लाइसेंस के पे ज़ीरो टॉलरेंस है, लाइसेंस के मुतल्लिक इंतहाई ज़ीरो टॉलरेंस है। साहब ऐसे लोगों के लिए क्या है जिनके पास पैसे नहीं है देने को और उन कह रहे हैं चलान बहुत ज़्यादा है? हम तो हैं लॉ इन्फोर्समेंट अदारे, ठीक है, लेजिस्लेशन जो होती है वो पार्लियामेंट में होती है या असम्बलीज में होती है, और हम जो पुलिस डिपार्टमेंट है ये लॉ इन्फोर्समेंट अदारे, हमें जो कानून या जाब्ते दिए जाते हैं हमने उनकी इन्फोर्समेंट करानी है। जी नाज़रीन, देखा कि यहाँ पर चलान किया गया है और इनके पास कुछ कैश देने को नहीं था और ऑनलाइन वगैरह ऐप भी नहीं थी, तो ताहिर साहब ने जो ट्रैफिक वार्डन है उन्होंने इनके ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस रख लिया है और कहा है कि बाद में आप जमा करवा कर हमारे ऑफिस से ये ले सकते हैं। आइए देखते हैं कि और कौन कौन ट्रैफिक की खिलाफवर्जी कर रहा है।